हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम आ गए हैं लाल किला दिल्ली का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है हमेशा। तो गाइस, अब हम चलते हैं अंदर, टिकट लेते हैं चल के। इसका टिकट वहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे इधर मेला भी चल रहा है, प्रदर्शनी चल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं अपना इंडियन फ्लैग लहरा रहा है शान से। और मेरे साथ में मेरे भांजे साहब भी आए हैं। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आपको जो भी अंदर होगा वो सब दिखाते हैं, और जो पुरानी चीज़ें वो भी आपको दिखाएंगे जो पहले थी, वो अब आज भी मौजूद हैं यहाँ के म्यूज़ियम में। तो हम आ गए हैं टिकट घर। 4 बजे के बाद केवल लाल किला, बाकी मतलब अभी अंदर का भी और जो म्यूज़ियम है, विद म्यूज़ियम है 80 का विदाउट। तो ये हमारा लाल किले का टिकट है, हमने ले लिया है। अभी विद म्यूज़ियम, विद म्यूज़ियम विदाउट म्यूज़ियम है 50 का, विद म्यूज़ियम है 80 का। हम लोगों ने टिकट ले लिया है, लाइन में लगे हैं। देख सकते हैं चेकिंग चल रही है अभी फ़िलहाल, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमारी फाइनली चेकिंग भी हो गई, हम लोग अंदर हमने एंट्री ले ली है। और टाइम हो रहा है 3, 2 घंटे के इनको 2 घंटे के अंदर इसको पूरा घूमना भी है। देख सकते हैं ये पहले इतनी दूर दूर खाई बनी थी ताकि कोई आक्रमण करे आसानी से जा ना पाए। यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है। और हमारे साथ हमारे भांजे साहब भी हैं। तो व्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और पहले यहाँ पे चेकिंग होती थी, अब वहीं पहले ही से करने लगे हैं। तो हम आ गए हैं, देख सकते हैं लाल किला कितना ही ऊँचा है, ऊपर फ्लैग फहरा रहा है। ये लाल किले के अंदर की मीना बाजार है। यहाँ पे छोटी सी मार्केट है ये मीना बाजार की। काफी एंटीक एंटीक आइटम आपको यहाँ पे मिलते हैं, और फोटो खींचना अलाउ नहीं है। काफ़ी अच्छी मार्केट है, और जहाँ पर सभी आइटम जो भी आपको मिलेंगे फिक्स प्राइस में क्रेस में मिलेंगे, कोई बात नहीं है। और लाल किले में ये चीज़ें ले सकते हैं आप, लाहौर दरवाज़ा, छत्ता चौक, नौबत खाना, दीवान आम साहब, इसको नौबत खाना बोलते हैं। पहले ये कभी शायद रेडी हुआ करता था, इसको पूरा इन लोगों ने वाइट कर दिया पोत के। जामा मस्जिद घूम ली। और ये आप सामने देख रहे हैं ये दीवाने खास है, यहाँ पे राजा बैठा करते थे, बाकी सब अपनी फरियादें लेके आते थे, तो यहाँ पे मीटिंग वगैरह चलती थी, इसलिए इसको दीवाने खास बोलते हैं। देख सकते हैं ये दीवाने खास है, और ये उनका सिंहासन है जहाँ बैठते थे राजा। इसको पूरा शीशे में कवर कर दिया है, पहले तो ये ऐसे रहता था। ये पूरा संगमरमर का बना हुआ है, और उनकी रानियाँ यहाँ से देखा करती थी, ये भी है, बाकी वो इधर बैठा करते थे। काफ़ी बड़ा सिंहासन है, तो इसमें सब कभी गोल लगा हुआ करता था, सब अंग्रेज लूट के ले गए। आज भी ये चलता आगे, और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, ऊपर देख सकते हैं जालियाँ हैं हवा आने के लिए। लाल वैसे यहाँ पे उसमें हवा आती रहती होगी क्योंकि पूरा खुला हुआ है। अब हम चल रहे हैं मुमताज़ महल की ओर। मुमताज़ महल वो है शायद, या तो वो है, वही देखते हैं चल के कौन सा मुमताज़ महल। ये जिसमें हम लोग खड़े हैं ये मुमताज़ महल है, और ये सब इस पर रिपेंट कर दिया गया, वाइट से रिपेंट कर दिया गया है, तो सब बेकार कर दिया है, बजाय रेड से अच्छे पेंट से करने के बजाय जो था वही रखते कम से कम।
तो रैम भी रिपेंड करने के बाद सब बेकार हो गया है। ये है मुमताज महल, ये उस टाइम का बेसमेंट हुआ करता था। और ये देखिए यहाँ पे भी सब सिक्योरिटी बैठी है, सब बिल्कुल बेकार हो गया। अंदर से पूरा लाल की जगह सब वाइट कर दिया, वाइट किला हो गया है। ये नहर है, और पूरे लाल किले को वाइट किला कर दिया, सिर्फ नाम ही रह गया क्योंकि बाहर से तो लाल है, अंदर से सब वाइट कर दिया टोटल। ऊपर चलते हैं और रेंद्र रेंद्र अपने ऊपर जाने को अलाउड नहीं है, पहले हुआ करता था हर जगह अलाउड, अब नहीं है। ये है लाल किले अंदर के अंदर का खास महल। और ये सब जितनी भी आप नक्काशी देख रहे हैं कलर से, इनमें सब गोल्ड हुआ करता था लगा हुआ, तो उसी से सब नक्काशी थी, सब बेकार हो गई पूरी तरह से, कोई देख रेख नहीं अच्छी होने की वजह से। अगर ये लोग इसको अच्छे से वॉश करवा दे बढ़िया से क्लीन, तो शायद फिर से चमकने लगे। पर कोई वो नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, तो फिर बेकार होता जा रहा है, इसलिए अब जाने भी नहीं दिया था, पहले उधर जाने को भी मिलता था। ये देख सकते हैं ये सब पूरा वाइट कर दिया, और सामने वो देख रहे हैं मस्जिद है लाल किले के अंदर की, वो भी बंद रहती है अब, इसका नाम है मोती मस्जिद। और सब किस तरह ये देख सकते हैं मस्जिद है अंदर से दिखाई नहीं दे रही, ये देखिए अब देखें इतनी खूबसूरत बनाई हुई है, टोटल संगमरमर लगा हुआ है और बीच में फाउंटेन भी बना हुआ है, अब तो बंद कर रखा जाने ही नहीं देते। ये देखिए मस्जिद के ऊपर के जाने के लिए जीने बने हुए हैं, सब बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चल रहा है। और लाल किले घूमने के लिए आपके अंदर बहुत ही एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा है लाल किला। ये है जफर महल, और ये कोशिश करेंगे कि फिर से इसको वैसे ही बनाया जाए, पर वैसा तो नहीं बन पाएगा। हम लोग को म्यूज़ियम नहीं मिल रहा है कि म्यूज़ियम है आखिर कहाँ पे। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग, जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर कब्ज़ा था। सावन और भादव मंडप है, ये देख सकते हैं क्या बात है, पूरा संगमरमर से बना हुआ है। उधर चलते हैं, उधर देखते हैं वो क्या है। ये देख सकते हैं हेरिटेज टी हाउस इसको बोलते हैं, सभी कुछ लॉक कर रखा है, कहीं भी जाने का मौका नहीं है, बस खाली आप दूर से ही देखिए बस। इसका नाम है शाहबुर्ज, वो है हेरिटेज सिटी हाउस। यहाँ पे मोर भी है, ये देख नहीं रहा है, दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए शाहबुर्ज, और ये है नहर बहिष्त, यहाँ पर नहर बहती थी बीच में, बट अब तो कहीं ऊपर जाने के लिए अलाउड ही नहीं है। बस ऐसे देख सकते हैं ये जो नहर गई है पूरी अंदर तक गई है, वहाँ तक लास्ट तक, बस खाली आप दूर से देख सकते हैं। गाइस देख सकते हैं लाल किले की दीवारें कितनी ऊंची ऊंची हैं, कितनी बड़ी बड़ी, कितनी चौड़ी हुआ करेंगी। उस टाइम कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, तो काफ़ी पैसा खर्चा हुआ होगा उस टाइम, जो कि आज की
ज़माने में अरबों लाख होगा। जामा मस्जिद को बनाने में उस टाइम 10 लाख रुपया लगा था, इसको कितना लगा होगा? तो लाइक ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और आगे भी शेयर करें, और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मुझे फॉलो भी कर लें इंस्टा पे।